क्या नाम है? रेणु कुमारी। पिताजी का नाम? श्री रामाशीष मेहता। घर कहाँ है? भरत गौरा। थाना? अम्बा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मारपीट हुआ है। कहीं ना, कल सुबह हुआ है, 30 तारीख को शुक्रवार दिन था, 6 बजे हुआ है। 6 बजे हुआ है। कौन कौन तुम्हारे साथ मारपीट किया? मेरे साथ मारे हैं गणेश मेहता, गणेश मेहता की औरत, उनकी बेटा, उनकी पतोह और उनकी एक भाई और एक उनकी भावा है, और एक है लोहड़ी मेहता के बेटी मारी है, और राजेश्वर मेहता के 2 बेटा मारे हैं, एगो मुना मेहता एगो कौशल मेहता। क्या चीज़ से मारी है? सब लाठी से मारे हैं। लाठी से मारे हैं? जानकी मेहता के दूरा पर मारे हैं, लाठी से मारे हैं, पूरा गांव वाले देख रहे थे। गांव वाले देख रहे थे। इन लोग कितना संख्या में होगा? इन लोग 11 पूरा 11 हो थे। 11 हो थे। मेरे पापा का मारे हैं, मेरी बहन का मारे हैं, मेरे भी मारे हैं। पापा के खेदर खेदर मारे हैं तो दूसरा गांव भाग गए हैं। तुम लोग थाना आया? हम लोग थाना आए। पुलिस पुलिस वहाँ गया था? हाँ पुलिस गया था। पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि से चलो थाना चलकर अथी कर लो। हम लोग थाना आए, यहाँ बड़ा बाबू बोल रहे हैं ना। कौन बड़ा बाबू, क्या नाम है उनका? पंकज। अच्छा, वो बोल रहे हैं ना कि से यहाँ का बाप का दलान है कि इतना बोल रही हो, अपना घर है से इतना बोल रही, चप्पल उठा लिए मारने के लिए लड़की, चप्पल उठा लिए मारने के लिए। हाँ, चप्पल उठा लिए मारने के लिए। क्या तुमको जो लाठी का चोट था उनको दिखाया था? हाँ, लाठी का चोट दिखाए थे। कि हमको चोट लगा है तो आप बोलिएगा, देखिए आपको बजाता ना तब आपको पता चलता, मेरा चोट लगा हम बोलेंगे, यहाँ नहीं कहीं भी बोलेंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं से चोट नहीं, जान नहीं न गया है। दरवाजी कहीं जान नहीं गया है? बोले कि जान नहीं न गया है। और आकाश और पेंटर जो वार्ड है और आकाश सिंह है वो मुखिया है, दोनों अपने मिलकर कंप्रोमाइज कर दिए। ठीक है, दोनों मिलकर कंप्रोमाइज कर दिए। हाँ, दोनों मिलकर कंप्रोमाइज कर दिए। दरोगा जी तुम्हारा इलाज कराए? दरोगा जी इलाज हमको नहीं करवाए, इतने ही पे कंप्रोमाइज हो गया। तुम्हारा बहन का इलाज हुआ? हमको बहन के भी नहीं इलाज हुआ, पापा के भी नहीं इलाज हुआ, पैसा के अभाव में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हम लोग थाना को बोला था, थाना को बोलने के बावजूद कितना देर के बाद थाना गया होगा? लगभग कितना बजे? लगभग गया था, कम से कम गया था 20 मिनट हम लोग बोलने के बाद। हाँ, आपको बोलने के बाद 20-25 मिनट के बाद गया है। यानी पुलिस लगभग कितना बजे पहुंचा होगा घटना के? घटना के 8 बजे पहुंचा था, 6 बजे हुआ था, 8 बजे पहुंचा। 2 घंटे बाद? हाँ, 2 घंटा बाद हुआ। 2 घंटा हुआ। क्या इस बात को तुम कहीं बता सकती हो? हम हर जगह पे बता सकते हैं। क्या एसपी साहब के सामने बता सकती हो? हम सभी को सामने बता सकते हैं। चोट दिखाए? चोट देखिए कितना हुआ है, ऐसे नीला पीला हो गया है पूरा। कपड़ा साफ उठाओ। ठीक है, हाथ का चोट देखें, पूरा पूरा लाठी से सांप पड़ा हुआ है। कौन हाथ है? दहना हाथ है, दोनों हाथ सब जगह पे लगल है, इतना लगल है कि से उठ के कोई पानी नहीं पीता, उतना लगल है। गांव वाला देख देख के चंभो खा रहे हैं। चेहरा पर भी चोट है? इधर चेहरा पर है, इस पर भी है, इस पर भी है। गर्दन पर भी चोट है? हाँ, गर्दन पर भी है, पीठ पर भी है। पीठ पर कहाँ चोट है बताओ? पीठ पर। हाथ बताओ? इधर है। हाथ से बताओ खाली, इधर है। और बाजू पर भी है? बाजू पर भी, बाजू पर है, यहाँ पे दाहिना बाजू पर, दाहिना बाया दोनों पर है। सब क्या चीज से मार रहे थे? सब लाठी से मार रहे थे। सारे चीज बताने के बावजूद भी पंकज कुमार थाना अध्यक्ष अम्बा तुमको इलाज के लिए नहीं भेजे? हाँ, नहीं भेजे। वो बोल रहे हैं चप्पल उठा लिए, बोल रहे हैं ना कि से यहाँ बाबूजी के घर से इतना बोल रही है, लड़की इतना बोलती है, से चले जाओ नहीं तो शादी ब्याह नहीं होगा। घटना की सूचना थाना वार्ड को भी दिया था तू? हाँ, वार्ड के एक दिन पहले दिया गया था ये सूचना। वार्ड तुम्हारे सूचना के बाद आया? नहीं आए, वो अपना काम करते रह गए, मेरे काम में नहीं आए वो। नहीं आए? हाँ। वार्ड क्या बोल रहा था? वार्ड बोल रहा था कि इतना ही न हुआ, जान मरा गया, से लड़ाई में पान फूल बरसता है। और वार्ड का तुम्हारा नाम क्या है? वार्ड के नाम है पेंटर कुमार। घर कहाँ है? घर भरत गौरा। क्या तुम इस बात को महिला थाना को भी बताओगी? हम सभी को बताएंगे। तुम इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारा सभी इलाज होगा।